तो हो गया फाइनल। इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट। तेजस्वी यादव ने पटना में की खास मीटिंग। एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा कभी भी हो सकता है, कांग्रेस ने तो समय भी बता दिया। बिहार कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह ने कहा, खर मास बाद एनडीए गठबंधन के घटक दल सीटों पर समझौता कर लेंगे। वहीं गुरुवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने माकपा नेताओं से मुलाकात की। इस मीटिंग में सीट शेयरिंग पर विचार विमर्श किया गया। इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे के लिए बैठकों का दौर जारी है। जदयू ने 16 सीटों की रट लगा रखी है, तो वहीं वाम दलों ने भी कई सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। उधर कांग्रेस का कहना है कि सीटों के बंटवारे के लिए किसी तरीके की हड़बड़ी में नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार के मंत्री विजय चौधरी कह चुके हैं कि अगर जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो इंडी गठबंधन को नुकसान होगा। सीट बंटवारे पर किसी उलझन को नकारते हुए गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश ने कहा, इस संदर्भ में अब तक प्रगति संतोषजनक है। किशनगंज कांग्रेस की सीटिंग है, उस पर कोई विवाद नहीं है, वही कांग्रेस ही लड़ेगी। समझौते में देरी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन में भी तो अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है। INDIA के घटक दल खरमास बाद सीटों पर समझौता कर लेंगे। INDIA में सीट शेयरिंग के मसले को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा के नेताओं ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की। पार्टी के राज्य सचिव ललन चौधरी, विधायक, आपको बता दें अजय कुमार और विधायक सत्येंद्र यादव ने तेजस्वी से महागठबंधन के घटक दलों के बाद सीट शेयरिंग पर बातचीत की। ललन चौधरी के मुताबिक बातचीत संतोषजनक हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।